बहुत अच्छे अच्छे घरों की लड़कियां सोनपुर के थिएटर में अपना जलवा बिखेरती है शौक से। बिल्कुल, वो शौक से आके अपना जलवा बिखेरती है और शौक से आके लोगों की रातों को रंगीन करती है। माइंडसेट है कि थिएटर में काम करती है वो लड़की तो दो नंबर की है, ये माइंडसेट है। लोगों का माइंडसेट है कि थिएटर में जाएंगे अश्लील गाना बजेगा तो उस अश्लील गाने पे लड़कियां नाचेंगी, ये एक माइंडसेट है। वहां की लड़कियों के से बात करने के बाद ये पता चला कि पब्लिक से उन्हें परेशानी भी होती है, गानों से भी उन्हें परेशानी होती है जो अश्लील गाने बजते हैं। थिएटर देखने जाते वही लोग दिन में अश्लीलता अश्लीलता चिल्लाते हैं और रात होते ही सोनपुर के थिएटर में जाके अश्लीलता का भरपूर मजा उठाते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो शौक से थिएटर में डांस करती हैं और बहुत सारी लड़कियों का मजबूरी भी है। बहुत सारी लड़कियां मतलब जो गरीब परिवार से आती है, जो शुरू से इसी धंधे में इसी लाइन में है, वो मतलब एज अ मजबूरी कही है जो भी कही वो काम करती है। क्या आप अपने घर पे बता के आए हैं? तो उनका बस यही रिप्लाई आता था कि बाप रे थिएटर में बता के, नहीं नहीं थिएटर में बता के घर पे नहीं आया जाता है, छुपा के आया जाता है। अच्छा। सोनपुर मेला का नाम तो आपने सुना ही होगा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और वहाँ का जो एक सबसे चर्चित बात यह है कि थिएटर गर्ल जो कि रातों को रंगीन बना देती है और बहुत सारे लोग राजधानी पटना से ही नहीं बल्कि बिहार के कई कोने से, भारत के कई कोने से उस मेले में आते हैं, थिएटर का लुत्फ उठाते हैं और पशु मेला का भी लुत्फ उठाते हैं। काफ़ी चर्चित मेला है सोनपुर मेला और हम बात करेंगे, हमारे साथ में सीनियर पत्रकार हैं और सत्यता के रिपोर्टर हैं काजल राय, जो कि सोनपुर मेला के जो थिएटर गर्ल हैं उनसे बात की है और उनके पर्दों के पीछे क्या होती है जिंदगी और पर्दों पर उनकी जिंदगी क्या होती है, इन सभी मसलों पर बात करेंगे। काजल, जब आप कवर कर रही थी तो पहला दिमाग में क्या आया, कैसे कवर करें और क्या? पहला तो ये दिमाग में आया, जैसे मैं साइनिंग करते हुए अंदर गई तो एक ही चीज़ मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या वो लड़कियां मेरे से बात करेंगी, क्या वो कैमरा के सामने आना पसंद करेंगी। तो वहाँ पे उन जितनी भी लड़कियां आती हैं सोनपुर मेले में जिस भी थिएटर में, उनके एक मैनेजर होते हैं, सबसे पहले उनका परमिशन लेना जरूरी होता है कि क्या मैं इन लड़कियों का कवरेज कर सकती हूँ। वो खुद बताएंगे कि हाँ कौन लड़की कैमरा पे बोलेगी कौन नहीं बोलेगी, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ जो है कैमरा से कतराती हैं, ऑन कैमरा नहीं आना चाहती, और बहुत सारी जो लड़कियां ऑन कैमरा आना चाहती है, जो लड़कियां ऑन कैमरा आना चाहें मैं उनसे पहले पूछी कि हाँ मैं आपसे बात कर सकती हूँ, आप कैमरा पे आ सकती हैं, तो जो एक्सेप्ट की कि हाँ मैं बोल सकती हूँ, मैं उनसे बात की, जिन्होंने बोला कि नहीं आप कैमरा में मुझे नहीं ले सकती है, मैंने उन्हें बोला ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, बतौर महिला पत्रकार सरकार नारा देती है बेटी बताओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और बेटियों के लिए बहुत सारे काम हो रही है, क्या मजबूरी रहती होगी कि इस तरह के काम में करना पड़ता है उन लोगों को? देखिए, जैसा कि मेरा वहाँ बात करने से, लड़कियों से बात करने से ये पता चला, बहुत सारी लड़कियों का ये शौक है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो शौक से थिएटर में डांस करती हैं और बहुत सारी लड़कियों का मजबूरी भी है। बहुत सारी लड़कियां मतलब जो गरीब परिवार से आती है, जो शुरू से इसी धंधे में इसी लाइन में है, वो मतलब एज अ मजबूरी कही है जो भी कही वो काम करती है। और बहुत सारी जो अच्छे घर की भी लड़कियाँ सोनपुर के थिएटर में आती हैं, बहुत अच्छे अच्छे घरों की लड़कियाँ सोनपुर के थिएटर में अपना जलवा बिखेरती है शौक से। बिल्कुल, वो शौक से आके अपना जलवा बिखेरती है और शौक से आके लोगों की रातों को रंगीन करती है। लेकिन बहुत सारी लड़कियां हैं जो मजबूरी में आती है, जो मजबूरन आती है, और मेरे मतलब जो जहां तक मैंने सोनपुर मेले में देखा तो बहुत सारी लड़कियां थी जिनके बच्चे भी थे और बहुत सारी लड़कियां अपने पति के साथ भी थी। ऐसा भी होता है क्या, पति के साथ? पर खास करके बिहार में देखा जाए तो पत्नी को परमिशन नहीं मिलता है घर से बाहर निकलने का और पत्नी थिएटर में जा रही है। नहीं, लेकिन वो जितनी भी लड़कियां थी वो बिहार की नहीं, या तो दिल्ली की थी या तो फिर बंगाल की थी, जितना मतलब मेरे नॉलेज में है, जितना लोगों से मेरा बात हुआ, या तो वो दिल्ली से थी या तो फिर बंगाल से थी। बिहार की कोई भी लड़कियां थिएटर में जलवा नहीं बिखेर रही थी। अच्छा, बिहार की नहीं है। अच्छा, ये एक महिला होने के नाते इस तरह के मामलों को कैसे देखते हैं, क्योंकि कई ऑप्शन है महिलाओं के पास, सरकार उसके विकास के लिए बहुत सारे काम कर रही है। देखिए, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो थिएटर कोई गलत चीज नहीं है, एक कला दिखाने का स्टेज है, एक कला मतलब लोगों का मनोरंजन करने का साधन है, लेकिन अभी का जो लोग है उसे गंदा बना दिया है। माइंडसेट एक होता है कि थिएटर में काम करती होगी तो कैसी होती होगी, एक माइंडसेट है
कि थिएटर में काम करती है वो लड़की तो दो नंबर की है। ये माइंडसेट है, लोगों का माइंडसेट है कि थिएटर में जाएंगे अश्लील गाना बजेगा तो उस अश्लील गाने पे लड़कियां नाचेंगी, एक माइंडसेट है। वहां की लड़कियों के से बात करने के बाद ये पता चला कि पब्लिक से उन्हें परेशानी भी होती है, गानों से भी उन्हें परेशानी होती है जो अश्लील गाने बजते हैं। जो थिएटर में लड़कियां काम करती हैं उनका भी मन नहीं होता है कि अश्लील गाने बजे, लेकिन वो मजबूर है। आपने कहा पब्लिक से परेशानी होती होगी कार्यक्रम के दौरान, किन तरह की आपने बात की है, किन तरह की परेशानी? देखिए, मैं सोनपुर मेला का बहुत ज्यादा कवरेज करने वाली पत्रकार हूँ। सोनपुर मेला का अगर कोई सबसे ज्यादा कवरेज किया है तो सस्तक की मैं हूँ, जो की हूँ पूरे, मतलब जितने भी अभी तक पटना में पत्रकार है सबसे ज्यादा मैं कवरेज की। और थिएटर का मेरा 3 वीडियो है, एक थिएटर स्टार्ट होने से पहले का, एक थिएटर स्टार्ट होने के बाद का और एक थिएटर के पीछे का। जो थिएटर स्टार्ट होने के बाद का वीडियो था उसमें मतलब आपको मैं क्या ही बताऊँ, कम उम्र के लड़के कम नजर आ रहे थे, लेकिन जो भी 40 प्लस थे वो ज्यादा नजर आ रहे थे। और उनके बिहेवियर से ऐसा साफ तौर पे देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है ना कि वो जब जाते हैं तो कमेंट करेंगे, ये करेंगे, अश्लीलता करेंगे। मतलब ये एक लोगों का माइंडसेट हो गया है कि थिएटर, क्योंकि मैंने जितने लोगों से मैं थिएटर के बाहर बात की, मेरा यही पूछना था कि क्या आप अपने घर पे बता के आए हैं, तो उनका बस यही रिप्लाई आता था कि बाप रे थिएटर में बता के, नहीं नहीं थिएटर में बता के घर पे नहीं आया जाता है, छुपा के आया जाता है। ऐसा भी होता है कि थिएटर में बता के नहीं आती हैं? नहीं, जितने भी सोनपुर के थिएटर देखने जाते हैं वो बता के नहीं जाते। मुझे भी अभी पता चला जब मैं कवरेज करने गई, लोगों से बात की, उसके बाद ही मुझे पता चला कि थिएटर में छुपा के जाया जाता है। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि 40 प्लस के उम्र वाले लोग वहाँ पे जाते हैं, युवा में कम होता जा रहा है? नहीं, युवा में भी क्रेज है थिएटर का, लेकिन 40 प्लस वालों में जितना क्रेज है उतना भी युवा में नहीं है। 40 प्लस यानी कि भोजपुरी का क्या रोल रहता होगा सोनपुर मेले में? भोजपुरी का तो ही रोल है सोनपुर मेले में। जब आप सोनपुर मेला में एंट्री मारिएगा, थिएटर वाले जब एरिया में जाइएगा तो आपको बस भोजपुरी के ही गाने सुनाई देंगे, वो चर्चित गाने सुनाई देंगे, जैसे लेकर बात विवाद अक्सर होते रहता है। मतलब मेरा सिंपल सा यही क्वेश्चन था, जो लोग थिएटर देखने गए थे उनसे, वही लोग हैं जो थिएटर देखने जाते हैं वही लोग दिन में अश्लीलता अश्लीलता चिल्लाते हैं, और रात होते ही सोनपुर के थिएटर में जाके अश्लीलता का भरपूर मजा उठाते हैं। बिल्कुल, यानी कि अब जो अश्लील मुक्त बिहार बनाने की जो मुहिम चल रही है, लगातार कई लोग इस पर बात कर रहे हैं, संभव है लगता है? नहीं, ये तो संभव नहीं है। जब तक लोग अश्लील गाना सुनना बंद नहीं करेंगे तब तक अश्लील मुक्त बिहार नहीं होगा। अगर मैं बोल दूं कि हाँ मैं अश्लीलता का विरोध कर रही हूँ, मैं ही ईयरफोन लगा के अगर अश्लील गाने सुनूंगी तो फिर कैसे अश्लील मुक्त बिहार बनेगा? यानी कि कहीं ना कहीं भोजपुरी को अश्लीलता से जोड़ा जाता है? बिल्कुल जोड़ा जाता है, और जो लोग भी जोड़ते हैं गलत जोड़ते हैं, क्योंकि जो लोग जोड़ते हैं भोजपुरी को अश्लीलता से वही लोग अश्लील गाने भी सुनते हैं। नहीं, एक लोगों की माइंडसेट बन गई है भोजपुरी मतलब अश्लीलता, अश्लीलता मतलब भोजपुरी। नहीं, भोजपुरी में आप रवि किशन का गाना सुनिए, मनोज तिवारी का गाना सुनिए, अभी पवन सिंह का भी बहुत अच्छा गाना आया है, खेसारी लाल यादव का भी बहुत अच्छा गाना है जिसमें अश्लीलता से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और पवन सिंह अगर बात करें तो उनका गाना ट्रेंडिंग में चल रहा था, खेसारी लाल यादव का जो अभी नया गाना आया है वो भी ट्रेंडिंग में चल रहा था, जबकि उसमें कोई अश्लीलता नहीं, आपने भी सुना होगा। चलिए, तो ये हमारे साथ में थी काजल रॉय जो कि सस्तक की पत्रकार है और सोनपुर मेले का थिएटर जो प्रोग्राम होता है उसको कवर करती थी। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।